Eighth point, सबसे इंपॉर्टेंट बात चौबीस बी डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ये इसमें आप करंट ईयर इंटरेस्ट निकालना करंट प्रीवियस इयर इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस इयर बाइस तेईस ये डिडक्शन ड्यू बेसिस पर है पेड बेसिस पर नहीं है पेमेंट हो ना हो इंटरेस्ट ई एम आई जाए ना जाए मतलब नहीं है ड्यू बेसिस तो पहले तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट बाईस तेईस का क्या मतलब जितने दिन प्रीवियस ईयर में आपके पास लोन है करंट प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ऑन ड्यू बेसिस ठीक है सर ये ले लेना इसमें ऐड करना ये ताजा और बासी इसको बोलूंगा पास्ट प्रीवियस ईयर बैकअप या पास्ट प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्यू बेसिस तो ताजा और बासी इंटरेस्ट मिलाकर मिलेगा तो करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट लेना है बाईस तेईस का और फिर पास प्रीवियस ईयर का ये पास प्रीवियस ईयर कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे ये बता दो तो बस करंट बाईस तेईस है ये पास प्रीवियस ईयर जो ताजा इसको बोलते हैं बासी इसको बोलते हैं ये बासी ब्याज कब शुरू होगा कब खत्म होगा बताओ जी वेन दिस बासी ब्याज स्टार्ट एंड वेन विल दिस ब्यासी ब्याज एंड आ लो जी ये शुरू होगा डेट ऑफ लोन से और ये बासी ब्याज जब आएगा परचेज कंस्ट्रक्शन का लोन में आएगा खाली लो जी एक और बात सुन लो ये बासी ब्याज जो आएगा परचेज कंस्ट्रक्शन के लोन में आएगा दिस इज ओनली फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन लोन परचेज ऑब्ली कंस्ट्रक्शन लोन ताजा ब्याज सभी में हो सकता है फॉर फाइव पर्पसेस ये पांचों पर्पस में ताज़ा ब्याज रिपेयर रेनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन परचेस री रि और परचेज कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर लेकिन ये परचेज कंस्ट्रक्शन में ही आएगा खाली परचेज कंस्ट्रक्शन के लोन में ही आएगा तो अगर खाली रिपेयर का लोन है रेनोवेशन का लोन है रिकंस्ट्रक्शन में बासी ब्याज नहीं होता तो परचेज कंस्ट्रक्शन में बोथ आ सकता है ताजा बासी लेकिन रिपेयर रेनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन में खाली ताजा आएगा करंट का आएगा ये बात याद रख लेना तो अगर रिपेयर का लोन है रेनोवेशन का लोन है रिकंस्ट्रक्शन का लोन है करंट ईयर का भी आ जाएगा लेकिन अगर परचेज कंस्ट्रक्शन का है उसमें डिले हो जाता है ना परचेज कंस्ट्रक्शन बाद में होगी लोन पहले ले लिया तो डेट ऑफ लोन से शुरू होगा और खत्म होगा थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज ऑफ

ये इंस्टॉलमेंट कब से मिलेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन लो जी तो आपका डेट ऑफ लोन से बैकअप का इंटरेस्ट स्टार्ट होगा और थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन तक चलेगा इस पीरियड के ब्याज को पांच साल से डिवाइड करेंगे और पांच साल स्टार्ट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर ऑफ परचेस प्रीवियस ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन से पांच साल स्टार्ट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर ऑफ परचेस प्रीवियस ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन से लिखो जी तो करंट प्रीवियस ईयर बाईस तेईस इन दोनों सालों के ब्याज को मिलाकर लिख लिया यहां तक चलो अब इस दोनों ब्याज को ऐसा करो इस ब्याज को कहो ए इसको कहो ए है ना और इस ब्याज को कहो बी इस ब्याज को कहो बी अब a प्लस बी ये टोटल इंटरेस्ट बना अब अगर प्रॉपर्टी आपकी तेईस दो ए में है या तेईस दो बी में है मैक्सिमम दो होती है ये हाँ जिनकी एनी भी निल है हाँ जी सर एनी भी निल है तेईस दो ए तेईस दो बी मैक्सिमम निल इसमें बेटा अगर आपकी कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड तो ये टोटल मिलाकर हाँ जी कितना मिलेगा मैक्सिमम थर्टी थाउजेंड और कंडीशंस पूरी कर दी तो मुन्ना मैक्सिमम दो लाख अदर प्रॉपर्टीज में अदर केसेस में फुल हंड्रेड परसेंट ऑफ ए प्लस बी मिलेगा कंडीशंस फुलफिल्ड कंडीशंस फुलफिल्ड और कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस क्या हैं? सर जी हैं. लोन लेना है ऑन और आफ्टर एक चार निन्यानवे लोन लेना है ऑनर आफ्टर एक चार निन्यानवे लोन परचेज कंस्ट्रक्शन का पांच साल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ लोन एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ लोन और सर्टिफिकेशन बाय द लेंडर दैट द लोन इज फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन तो कंडीशंस पूरी हो जाएं कंडीशन पूरी ना हो जाए नहीं हुई तो तीस पूरी हो गई तो दो लाख और अदर केसेस में वो जो अदर केसेस कौन से फुल्ली लेट आउट पार्टली लेट आउट डीम टू बी लेट आउट ये दो प्रॉपर्टी पे ही हो सकता है ना हाँ तेईस दो ए वाली कौन सी है जिसको इस्तेमाल करते हो रेजिडेंशियल के लिए तेईस दो बी वाली कौन सी है जिसको इस्तेमाल नहीं कर पाए रेजिडेंशियल के लिए काम धंधे के कारण तो दो ही प्रॉपर्टी का बेनिफिट है हाँ बिल्कुल सही क्लियर बात आइए जरा